इस कंपाउंड का नाम क्या होगा दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे इसका नाम क्या होगा, मैं बताऊंगा बेहद आसान सा तरीका, आप साथ में सीखेंगे ये फॉर्मूला बना भी कैसे। सबसे पहले देखिए इसमें कितने एलिमेंट के यूज किए गए, इसमें तीन एलिमेंट के यूज किए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है, सोडियम, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। बट सोडियम तो अलग है, बट ये दोनों क्या एक साथ आयन है, तो उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। इसका सिंबल नाम होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम हो गया। इसका नाम होता है हाइड्रो ऑक्साइड होता है, क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। देन ये तो बात हो गई सिंबल की, बात किसकी हो गई, सिंबल की हो गई। अब आते हैं इसका फॉर्मूला बनता कैसे है, वो भी जरूरी समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। आयन क्या होता है, आपके टू टाइप के होते हैं, पता होगा, प्लस माइनस होता है। देन सोडियम के जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस की वन होती है। देन हाइड्रो ऑक्साइड के जो वैल्यू होते हैं माइनस की वन होती है। अब देखिए इसके वैल्यू लिखिए, एन ए एक, हाइड्रो ऑक्साइड के वैल्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, एन ए ओ एच आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ही नाम होगा, जो सिंबल है वह इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये एक आसान तरीका मैंने बताया। सबसे पहले सिंबल जरूर याद कीजिए, सिंबल एंड आयन आपको पता है, तो आप फार्मूला, कोई भी फार्मूला अगर आपके सामने लिखा हुआ है आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कोई ऐसा चैनल है जो कि बहुत शॉर्ट वीडियोज हम लोग बनाते हैं केमिस्ट्री के या मैथ बनाते हैं, बेहद यूजफुल होते हैं। मैं मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर।